हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा पंखुड़ी प्रजापति। तो जैसा कि आप सबको पता है, दिवाली चल रही है। दिवाली की ख़रीदारी, शॉपिंग और मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम लोग आए हैं यहाँ मार्केट शॉपिंग करने के लिए दिवाली की। तो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था और इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था, इतना ज़्यादा, तो हम बहुत थक गए थे। फिर हमने यहाँ पर जूस पिया, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक ली कि हाँ पहले थोड़ी एनर्जी लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि सामान काफ़ी सारा लेना था। और चीकू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब वो भी हो रहा था, उसका नींद का टाइम था, दोपहर के 2 बज रहे थे। फिर हम आ गए घर पे। तो देखिए मैं कितना सारा सामान लेके ही फिर मैं लग गई तैयारी में, डेकोरेशन में, ये दिल लगाना, वो लगाना। तो दिवाली पर इतने काम हो जाते हैं, बहुत सारे लगाने के लिए, देखने के लिए, सजाने के लिए। तो मैं यहाँ पुराना सामान भी इकट्ठा कर लिया था, मेरे पास क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ ये दोनों रेस्ट करने चले गए थे और मैं अपनी तैयारी में लग रही थी। यहाँ मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, लेकिन इनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर बच्चे मेरी हेल्प करा रहे थे, जैसे कि मुझे हथौड़ी देना, फ्लावर देना और ये डेकोरेशन वाली ये लड़ियाँ देना, ये सारी कुछ। तो मैंने ये जल्दी जल्दी अपना लगाया। देखिए हैप्पी दिवाली चिक्कू, ये हो रही है दिवाली की तैयारी जोरों शोरों से। ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ ही लक्ष्मी और गणेश जी पधारेंगे। देख कितने सुंदर और कितने अच्छे से ये सब लगाया है भैया ने, लगाया हमारे भैया लगे हुए हैं सुबह से। लेकिन क्या जी, वॉल पे कमेंट मत करना, वॉल हमारी ब्लैक हो चुकी है क्योंकि यहाँ बहुत आग लग गई थी। बस बहुत खैरी हो गई समझ लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ भी आ ही जाएंगे हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होके। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये है मेरा घर छोटा सा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हम सब कर रहे हैं दिवाली की तैयारी। तो यहाँ राहुल भैया भी मेरी बहुत हेल्प करा रहे थे, ये मेरे नेबर हैं, आशु दीदी हैं जो उनके हस्बैंड। तो ये यहाँ पे अपना ख़त्म करने के बाद फिर उन्होंने मेरे घर पर भी, मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था तो वहाँ भी उन्होंने एक दो कील लगा के बंदरबान टांगा, देखिए कितने अच्छे से। तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी, हम चारों लोगों ने मतलब मिल के काफ़ी अच्छे से अपना आगे सजाया। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। तो उसके बाद जो आंटी जो है हमारी, नीचे ढोल वाले लेकर आई थी, आंटी नहीं मतलब आंटी भी लाई थी, लेकिन उनको देख के वो रुके हुए थे। यहाँ दीदी बता रही थी कि हमेशा हर दिवाली पर यहाँ ढोल वाले आते हैं। तो फिर हम लोग अच्छा जा रहे थे नीचे, तो देखिए कैसे जल्दी जल्दी हम सारे लोग नीचे जा रहे हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी थोड़ा, क्योंकि बहुत सुबह से बहुत शांति शांति सी थी, बस अपने कामों में लगे हुए थे, तो थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिला। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं नीचे ढोल वालों के पास, उनको दिवाली देने और डांस करने के लिए। Thank you.
डांस करने के बाद फिर से हम लग गए अपने काम में। ये ले आए थे इतने सारे फूल, कम से कम 5 to 6 kg फूल ले आए थे। उसके बाद हमने इसकी बनाई माला बैठ के साथ में, क्योंकि अकेले के हमारे जो काम है पिज़्ज़ा का काम है, जो हमारा पिज़्ज़ा काउंटर स्नैक पैक पिज़्ज़ा वुड फायर, तो उसकी गाड़ी के लिए भी ये जो है माला बना रहे थे बड़ी सी, क्योंकि गाइस मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें थी, घर का काम था, पूजा की तैयारी थी, चीकू भी था, और यहाँ मैं बना रही थी रंगोली के लिए फूल, मतलब तोड़ रही थी रंगोली के फूल, क्योंकि मैं रंगों की रंगोली नहीं बना पा रही थी। मैं रंग लेकर आई थी लेकिन नहीं बना पाई थी मैं।